सिर्फ 18 महीने पुराना होने के बावजूद ये फोन 3 जनरेशन पुराना है। टेक्निकली 2, बट इस मंथ एंड या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग तक तो वन प्लस 8T आ ही जाएगा। तो वन प्लस 70, वन प्लस 8, वन प्लस 8T, तो वन प्लस 7 हो तो चुका है ना 3 जनरेशन पुराना सिर्फ 18 महीनों में। तो क्या ये आकर उस टाइटल को डिजर्व करता है? क्या ये सच में 3 जनरेशन पुराना फील करता है? वेल सब गाइस, ऋषभ हियर। आज हम बात करने वाले वन प्लस 7 के बारे में, देखेंगे कि क्या इसको 2020 में अभी भी लेना चाहिए या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अगर आप ऑलरेडी एक वन प्लस 7 यूजर हो या फिर आप सोच रहे हो वन प्लस 7 लेने की, तो पहले अपन देखते हैं कि क्या इस फोन में आकर कौन सा है, क्योंकि यू नो आजकल के बजट फोन्स भी इतने अच्छे हो चुके हैं कि उसको देखने के लिए कि वो क्यों बजट फोन है, पहले उसके कॉन्स को देखना पड़ता है अगेंस्ट फ्लैगशिप। तो हाँ, पहले अपन देखते हैं कि अगर आप 2020 में अगर यूज करने वाले इस फोन को, तो आपको क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, क्योंकि वेल जैसे ही वन प्लस नॉट लॉन्च हुआ, जो भी एक्जिस्टिंग यूजर्स थे वन प्लस 7 के या जो भी लेने वाले थे वन प्लस 7 को, उनके मन में फर्स्ट यही थॉट आया कि अरे यार, वन प्लस नॉट में तो 90Hz स्क्रीन है, तो क्या 60Hz का स्क्रीन बेकार है? क्या जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वन प्लस 7, वो क्या मिस आउट कर रहे हैं हाई रेफ्रेश रेट में? वेल सच बताऊं तो नहीं गाइस, मैं इसके पहले वन प्लस नॉट टेस्ट कर रहा था और मैं अभी इसको टेस्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये मेरा डेली ड्राइवर है अभी कुछ टाइम के लिए, और मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली नहीं गाइस। मतलब हाँ, ये फोन अगर आप साइड बाई साइड रखोगे वन प्लस नॉट के साथ, तो ऑफकोर्स वन प्लस नॉट स्मूथ है, बट अगर आप फास्ट की बात करो, यू नो लोग बोलते हैं कि स्मूथ एंड फास्ट हाई रेफ्रेश रेट के साथ अगर कनेक्टेड है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये फोन आकर भले ही वन प्लस नॉट स्मूथ हो, बट ये फास्ट है। 855 चिपसेट देखने को मिलता है गाइस, उसमें सिर्फ 765 है। तो हाँ, अगर आप वन प्लस नॉट के अगेंस्ट बात करो तो स्मूथ भले ही वो होगा, लेकिन फास्ट भले ही जमीन एंड आसमान का फर्क ना हो, ऐसे तो रिफ्रेश रेट में भी नहीं है अनलेस आप साइड बाई साइड देखोगे। तो हाँ, साइड बाई साइड देखो तो ये आकर उससे ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आप वन प्लस नॉट या वन प्लस 7 सोच रहे हो, यू नो सेकंड हैंड में आकर ये 20-22 हज़ार का आ जाता है आराम से, तो आप सोच रहे हो कि वन प्लस 7 ले लूँ कि हाई रिफ्रेश रेट के साथ जाऊँ वन प्लस नॉट में जो है, मैं बोलूंगा कि इस फोन के साथ जा सकते हो गाइस। डेफिनेटली एक बम्बर नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि अरे यार बहुत कचरा डिस्प्ले इसका, बिल्कुल भी नहीं। डिस्प्ले के बाद मैं बाद में बात करूंगा, बट रेफ्रेश रेट की बात करूँ तो हाँ, 90Hz रहता अच्छा रहता, वन प्लस 70 में दिए, वन प्लस 7 में नहीं दिए, बट वो सब बाद में बात करेंगे। ऐसे फोन इसका बहुत ही अच्छा है, रेफ्रेश रेट एक कॉन नहीं है अनलेस आपको रेफ्रेश रेट चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन की बात करूँ तो वेल इसके कैमरा से गाइस, नहीं ऐसे नहीं है कि इसके कैमराज बेकार है, इसके 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है IMX586, वो आज भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ खींचता है, बट अच्छी फोटोज़ तो यार बजट फ़ोन भी खींचता है आजकल। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आकर जो सेकंड सेंसर, वो एक नियर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, ना अल्ट्रा वाइड है, ना टेलीफोटो है, ना कुछ, एक डेप्थ सेंसर है। तो हाँ, ये बहुत ही बड़ा कॉन है आजकल बजट फोन्स में, आपको वाइड एंगल देखने को मिलता है कभी कभार टेलीफोटो भी, बट हाँ मोस्टली वाइड एंगल देखने को मिलता है, और जो बजट फोन्स में वाइड एंगल है और इसमें नहीं है, डेफिनेटली एक कॉन है गाइस। तो अगर आपको सिर्फ प्राइमरी कैमरे चाहिए तो हाँ ये कॉन नहीं है, बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो डेफिनेटली कॉन है, और मेरी नज़रों में तो ये बहुत ही बड़ा कॉन है। तो वन प्लस 7 लोगे तो इस कॉन को ज़रूर ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट कॉन की बात करते हैं या फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं इस फोन को लोगे तो, ऐसे कुछ भी नहीं है गाइस। ट्रस्ट मी, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, मैं अभी यूज़ ही कर रहा हूँ, और ओवरऑल बात करूँ तो बस ये 2 ही मेरे को कॉन लगे, इसके अलावा कुछ भी बेकार नहीं है, आई मीन इसके अलावा कुछ भी ख़राब नहीं है इस फोन में, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अब फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली एक स्मार्टफोन आप ले रहे हो, यू नो आप हाइप को सब छोड़ दो कि इसमें फास्ट है, इसमें फास्ट है, ये अच्छा है, वो ऐसा है, ये सब छोड़ दो गाइस। मैंने ऑलरेडी एक एक्चुअली एंड्रॉइड गाइड बना के रखा हूँ चैनल पर, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट करना। बट अभी इस वीडियो के लिए बात करूँ तो बेसिकली लोग आकर बहुत स्पेक्स पर जा रहे हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, एट द कोर नहीं देख रहे हैं, और अपन इस वीडियो में एट द कोर वन प्लस 7 कैसा उसकी बात करते हैं। तो वेल फर्स्टली आप फोन लेते कि वो फोन कॉल्स अटेंड करने हैं, फोन कॉल्स मैं इसको 2 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ, 2 हफ्ते हो चुके हैं लगभग, इसको डेली यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स दिया हूँ, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, ना मेरे को, ना आगे वाली पार्टी को, आई मीन ना सामने वाली पार्टी को। तो हाँ, कॉल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया आराम से यूज़ कर सकते हो गाइस, इनफैक्ट इसके कीबोर्ड में जो वाइब्रेशन है या जनरल ओवरऑल वाइब्रेशन है इस फोन का, इतना अच्छा है, तो आप कीबोर्ड जब आप यूज़ करोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हाँ, टाइपिंग के वक्त भी बहुत ही अच्छा है, तो सोशल मीडिया यूज़ करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिंज वॉचिंग, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप इसको लोगे तो आप डेफिनेटली बिंज वॉच करने ही वाले, उसमें यूट्यूब वीडियोस देखोगे, टेक हब के गैजेट्स नाउ के या ऐसे कोई भी वीडियोस देखोगे या नेटफ्लिक्स देखोगे, तो ये वाइडबैंड 11 सपोर्ट करता है। प्लस इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है गाइस, AMOLED डिस्प्ले, प्लस साइज भी एकदम परफेक्ट है, यू नो मैं आकर कॉलेंस रीच कर सकता हूँ। तो हाँ, बहुत ही तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले गाइस, आप बिंज वॉच करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। AMOLED है तो ऑफकोर्स आपको इंकी डीप ब्लैक देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट ही, वाइब्रेंस सब इसमें है, तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है।
आपको रेफ्रेश रेट चाहिए तो आपको एक कॉन में ले लो, बट नहीं आपको सिर्फ बिंज वॉच करना है तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। परफॉर्मेंस गाइस इसमें स्नैपड्रैगन 855 है। मेरा एक फ्रेंड है जो आकर OnePlus 6 को यूज कर रहा है, 845 ही है उसमें, फिर भी उसको आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जबकि गेम खेलता है मेरे साथ, पबजी खेलता है, स्मूथ पे 16 भी खेलता है। तो हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो ये तो वेल 855 गाइस आज भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा काबिल चिपसेट है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। कैमरास जैसे मैंने बोला, प्राइमरी कैमरा अच्छा है सोशल मीडिया के लिए, बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको उसमें कौन है इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बट सिर्फ आपको प्राइमरी कैमरा से ही काम चलाना है तो डेफिनेटली काम चलेगा गाइस, बहुत ही अच्छा काम करता है। बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है इसमें, 3700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और मैं मेरे को मेरे यूसेज में एटलीस्ट मेरे को 5 hours ऑन एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। तो हाँ, बैटरी लाइफ मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 3700 mAh का बैटरी है, प्लस 855 भी बहुत ही एफिशिएंट चिपसेट है। तो हाँ, बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपको बैटरी लाइफ प्रायोरिटी है तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, अनलेस आप 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो ये नहीं देगा। 5-6 घंटे तक चाहिए तो आप डेफिनेटली इससे निकाल सकते हो। अब एक्स्ट्रास की भी बात करूँ तो ये फोन कवर्ड है गाइस, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है, तो वो भी फ्यूचर प्रूफ हुआ। हेडफोन जैक ऑफकोर्स देखने को नहीं मिलता, जो कि फ्यूचर की बात थी, बट अभी से इसमें नहीं देखने को मिलता, कोई भी फ्लैगशिप फोन में नहीं देखने को मिलता, तो आई गेस इट्स ओके। वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे, जैसे मैंने बोला इसमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो स्पीकर है वो भी बहुत ही अच्छे हैं गाइस, एकदम लाउड है, साउंड सबसे बेस्ट नहीं है बट बहुत ही अच्छे हैं, और उस प्राइस के लिए तो बहुत ही अच्छे स्पीकर देखने को मिलते हैं इसमें। लास्टली बिल्ड भी बहुत ही अच्छा है इसका और कॉम्पैक्ट भी है, तो ओवरऑल ऐसा फोन एक्स्ट्रा सब मिलाकर देखें तो बहुत ही अच्छा पैकेज बनता है गाइस। अगर आपको ये फोन 20-22 हज़ार में मिल रहा है सेकेंड हैंड यूज, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। हाँ, अगर आपको 90 Hz स्क्रीन चाहिए या एक्स्ट्रा कैमरा चाहिए तो आप OnePlus Nord देख सकते हो, अगर आपको OnePlus फोन ही चाहिए। अगर आपको लेना है तो मैं बोलूंगा कि 22 हज़ार के अंदर लेना, 22 हज़ार से ज़्यादा लोगे तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, बट हाँ 22 के अंदर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। और हाँ, अगर आप OnePlus 7 के ऑलरेडी यूजर हो तो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, बहुत ही अच्छा फ़ोन है अभी भी, हाई रेफ्रेश रेट, बेटर कैमरास, ये सब मत देखो, ओवरऑल ऐसा पैकेज बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बहुत बहुत पूछ चुका हूँ। एनीवेज गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और OnePlus 7 के बारे में कुछ पूछना है अगर आप ऑलरेडी OnePlus 7 के यूजर हो तो जो भी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैं DM कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एनीवेज, मेरा नाम ऋषभ, आप देख रहे थे टेक हब, बातचीत करूंगा आपसे मेरे अगले वीडियो में। टेक इट इजी।